शहर की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर खतरे के निशान के पार चल रहा है। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाले धूल के महीन कण और खुले में जलने वाला कूड़ा है। शहर में जगह जगह जलता हुआ कूड़ा देखने को मिल सकता है और सड़कों की हालत बेहद खराब है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 160 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में काम करेंगी और इन टीमों को बकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इन टीमों का काम होगा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था देखना और अगर कोई कूड़ा जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर चालान करना। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइटों से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो, इसको लेकर भी यह टीम ध्यान रखेगी। घरों से उठाए जाने वाले कूड़े को पूरी साफ सफाई के साथ डंपिंग प्वाइंट तक पहुँचाया जा रहा है, इसको लेकर भी यह टीमें ध्यान रखेंगे कि तमाम बातों पर प्रयास किया जाएगा कि प्रदूषण का लेवल बेहतर किया जाए। इसके अलावा फरीदाबाद प्रशासन द्वारा 200 से भी ज्यादा नए वाहनों की खरीद की गई है जो प्रत्येक वार्ड में कचरे को उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ों पर जमी धूल को हटाने के लिए वाटर टैंकरों की व्यवस्था करवाई जा रही है। शहर में प्रदूषण फैलाने पर चालान किया जाएगा, उसकी राशि 5,000 रुपए से शुरू होगी और ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए दो तरह के उपाय हम करते हैं, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह स्वीपिंग होती है उसको कम करते हैं, मैनुअल स्वीपिंग को, इससे धूल कम होती है और जो रोड्स हैं उनको मैकेनाइज मशीन्स के माध्यम से हम मैकेनाइज वे में करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े लेवल पे वेस्ट को जलाते हैं, तो उन लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं और दो दिन बाद अगर ये काम जारी रहता है तो उन लोगों के हम चालान करना भी शुरू करेंगे। रोड रिपेयर का काम तेज़ी से चल रहा है क्योंकि उससे भी काफ़ी धूल उड़ती है और काफ़ी पोल्यूशन करती है। इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है उसको भी उठाने का कार्य हम करने लग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट मटेरियल प्रोसेस करने के लिए हमारा प्लांट लगने वाला है और अगले 5-7 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा, तो लोगों को बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे जो पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल होगा।